शादी अरे शादी तू तो अमेरिका में बहुत एंजॉय करता है, तुझे आज हमारे दुख का एहसास हो ही गया होगा। कष्ट में रहते हैं यार हम लोग यहाँ पे। मैं यार मैंने यार यहाँ पे आके जाना ना यार, असली मजा यहीं पर ही है। तुम लोग जो कर रहे हो ना एक्चुअली इसी में असली मजा है। यहाँ पे तुम्हारे इतने सारे रिश्तेदार हैं, असली हम जो मजा एंजॉय कर रहे हैं ना वहाँ पे नहीं यार, यहीं पर है यार। भाई क्या हो गया तुझे? हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं जो हमने इंडिया में जन्म लिया। नहीं यार एक्चुअली ये पप्पू है ना ये बहुत लकी है यार, इनफैक्ट तू भी लकी है। और यहाँ पे इंडिया में जितने भी लोग जन्म लिए है ना ये सब लकी है, क्योंकि यार यहाँ पे ना रिश्तों की वैल्यूज है यार। मेरी जब शादी हुई थी ना सिर्फ 40 लोग आए थे वहां पे, सिर्फ 40 लोग, और यहाँ पे देख 400 लोग आए हैं। 400 लोग यार, ये सब हमें, ये सब 400 लोग तुम्हें इसको पप्पू का आशीर्वाद देने आए हैं। और यार ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं देंगे, ये से आपके आशीर्वाद के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस की पोटली भी देंगे, जिससे ये अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाएगा, आगे अपने जीवन में बढ़ पाएगा, और इसके मुश्किल समय में अपने स्ट्रेंथ पे अड़ा रहेगा मैम। अच्छा लेकिन क्या है ना, ये 400 लोगों की बात कर रहा है, इसमें जो बूढ़े लोग ना भयंकर पकाते हैं, भयंकर पकाते हैं, हर बात में टांग आते हैं, हर बात में ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बस यही चल रहा है भाई, हमारा फ्रीडम ही नहीं, हमारा फ्रीडम ही नहीं यार। एंजॉय जिसे तू टांगड़ा कह रहा है ना उसे स्वतंत्रता और स्वराज्यता में अंतर कहा जाता है यार। थोड़ा हैवी हो गया रे यार, मतलब फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा बोलना हिंदी में। सही है सही है यार। मैं जब वहां पे था ना लॉस एंजलिस में, तो मैं वो हरे कृष्णा सेंटर पे ना प्रसाद खाने के लिए आता था। अच्छा, तो मुझे ना कई बार वहां पे ना भगवद गीता के क्लास में बैठना पड़ता था वहां पे। लेकिन यार जब मैं जाता था ना तो मुझे वहां पे जो आनंद मिलता था, जो आनंद की अनुभूति होती थी, जो इतना मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिलता था यार, मैंने उससे जाना है यार, वही असली आनंद है। और मैं यहाँ पे जो आया, यहाँ पे होन हवन यहाँ पे जो चल रहा है ना यार, यहाँ पे भी ना वो चीज फील गई जो सिर्फ इंडिया में। भाई तू हरे कृष्णा वालों के साथ रह के माया में आ गया, माया में तू, माया में। भाई तू ही क्या करता था, अमेरिका में जितनी चाहे लड़कियों के साथ घूम सकते हैं, जितनी चाहे लड़कियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, ये कहता था यार। यार तू सोच ना, अगर तू वहां पे लड़की के साथ घूम सकता है तो भी लड़की भी किसी और लड़के के साथ घूम सकती है, जितना फ्रीडम तुझे है उतना उसे भी है। और यहाँ पे तू देख, यहाँ पे जो निष्ठा होती है रिश्तों में, यही हमें असली आनंद देती है, यही असली एंजॉय,
नशा क्या है? नशा ना नहीं भाई, एक्चुअली ये जो नशा है ना, ये हमें टेम्परेरी सुख देता है, क्षणिक सुख देता है, थोड़े टाइम के लिए सुख देता है, हमें थोड़ी टाइम के लिए हाई कर देता है, लेकिन ये इसके बाद हमें बेबस और लाचार बना देता है और इससे सिर्फ हमारा नाश होता है यार। और मैंने देखा ना यार, अमेरिका में पैसा तो बहुत है, खूब है पैसा, और वहां पे ना इंजॉय करने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन वहां पे ना इंजॉय करने के लिए ना खुशियां हमें क्रेडिट कार्ड से खरीदनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है यार, यहाँ पे देख, यहाँ सब लोग आए हुए हैं, सिर्फ 100 रुपए देकर आए हैं, लेकिन बहुत मजा आ गया। ओके विन, यार विन नहीं यार, अब मेरा नाम है विनय। और यार एक और बात बताना चाह रहा हूँ मैं तुझे कि यार अब तुम्हें अमेरिका मत आना यार, क्योंकि मैं खुद यहीं पर आ रहा हूँ। ये यार सही है विनय, सही है विनय, सही है। जितना भी हमारे कलाकार हैं उन सबके लिए हम लोग हरे कृष्ण, हे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार सबसे सबका इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो जो सबसे पहले पान वाले के रोल में पसंद आया, आइस स्पीकिंग पान वाला, तो वो थे हमारे शिवम बाबू, हरि बोल। तो जो इंजॉय के रोल में थे, जिन्होंने खूब मस्ती की, वो थे हमारे आकाश बाबू। इनके बारे में कुछ चीज बताना चाहेंगे, इनका सिलेक्शन हो गया RRB जेई में, तो मतलब अच्छा ड्रामा भी करते हैं और मटेरियल वर्क भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और पप्पू के रोल में थे हमारे पंकज बाबू, हरि बोल। और जो गनिया का रोल था वो निभाया था हमारे कृष्णा बाबू ने, हरि बोल। और स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे रजत पो को, जो कि बैकग्राउंड में थे, जिन्होंने म्यूजिक दिया, तो रजत पो के लिए हरि बोल। तो सबके लिए एक बार हरे कृष्ण मन बोल के दोबारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी प्रभु जी हमारे बीच में आ चुके हैं, प्रभु जी का नाम है हिस्से समोगी लड्डू। तो प्रभु जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, तो प्रभु जी बहुत फेमस यूट्यूब स्टार है, स्पेशली अभी हमारा द्वारका में मंदिर है, तो प्रभु जी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और यूथ प्रीचिंग, कॉलेज प्रीचिंग, सभी तरह की प्रीचिंग प्रभु जी करते हैं। और लास्ट टाइम भी आए थे तो बहुत इंटरेक्टिव सेशन था, और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जिस स्पिरिचुअलिटी को यंग एज में क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आज प्रभु जी टॉपिक ले रहे माया, तो प्रभु जी निकाल सकते हैं हम सबको माया से। तो प्रभु जी के लिए एक बार हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्पॉट में बैठे, स्पॉट में नहीं आए, बस बैठे।